वो अभी तक नहीं लौटे। क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। नैनों में सपना, सपनों में दरू, दरू पे दिल आ गया। वाह वाह, अब तुम्हारे बारी, जल्दी बोलो नहीं तो बिल आएगा। या सर, या हाँ बागा हास को इसम। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम धीरू भाई झवेरी है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं एयरपोर्ट जा रहा था पेपर साइन करने के लिए और आपके हवलदार ने मुझे पकड़ लिया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो शराब का क्या होगा? कपड़े चुप चुप। आपको बोला है गबश्री। ए, तू चुप होगी। ऑयल की बात आ रही है ना इंस्पेक्टर साहब, और आपके हवलदार साहब कह रहे हैं कि ये खून के धब्बे हैं। अब तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। एक बात बताओ, तुम्हें ऑयल के साथ कैसे जमता है? मुझे पानी के साथ भी शॉर्ट होते हैं। छोड़ने की बात तो भूल जाए मिस्टर झवेरी। क्यों? क्योंकि केस एकदम साफ है मिस्टर झवेरी। हम रात को गाड़ी लेके निकले, रास्ते में आपकी गाड़ी बंद पड़ी, एक मैकेनिक से आपने गाड़ी ठीक करवाई और जब पैसे देने की नौबत आई तो आपने उसका खून कर दिया और इसी चक्कर में आपने उसकी लाश लपेटी। इसीलिए इस चक्कर में से ऑयल की बू आ रही है, वही ऑयल जो मैकेनिक के हाथों में और कपड़ों में लगा होगा। वाह साहेब, बकाय लॉजिक लाओ दे तुम्हें। अरे इतने खून जो किए हैं, मतलब खून के केस सॉल्व किए हैं। अरे काहे का लॉजिक, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैंने भी कोई शराब नहीं पिए। चुप चुप चुप। चलो मान लेते कि खून हुआ है, अगर खून हुआ है तो फिर लाश कहाँ है? मान लो मैंने दर्द पिए तो बॉटल कहाँ है? हे भगवान, मिल जाएगी बॉटल। बॉटल भी मिल जाएगी और लाश भी मिल जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। इसका फैसला तो अदालत करेगी, हम आपको अदालत में पेश करेंगे। एक निर्दोष मैकेनिक की हत्या करने के जुर्म में आपको फांसी दी जाएगी। मिस्टर झूरू भाई झवेरी टू हैंग टिल डेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं निर्दोष हूँ और मेरा वकील जो है आपके केस की धज्जियां उड़ा देगा। अब वकील को बुलाओ या जज को बुलाओ, आपको फांसी तो ओके रहेगी। वो देख लेंगे इंस्पेक्टर साहब, एक फोन कर सकते हो मैं? जी सर, ठीक है। फोन में बैलेंस है क्या? शनप। अरे वकील को बोलना, लाते वक्त बॉटल लाना। बॉटल? बॉटल पानी की यार, भड़क तो गए। बीवी को बोलना चपटी के लिए पैसे देना। हेलो आरती बेटा। अंकल कहाँ हैं आप? क्या क्या हुआ? जोहू पुलिस स्टेशन, अंकल जो वारी, हम अभी आ रहे हैं। क्या 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 हुआ? अपूर्वा, कल रात से अंकल जोहू पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है अपूर्वा। डोंट वरी, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं जाकर देख कर आता हूँ। अब रुको, अंकल ने कहा है कि जमानत के फॉर्मेलिटीज के लिए परेश भैया को भी लेकर आना है। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। परेश भैया, मालिक का पता चल गया क्या? जी जी जी, मालिक कहाँ है? जो पुलिस स्टेशन में है कल रात से। क्या पुलिस स्टेशन? फरियादा, अंकल के लिए कुछ नाश्ता तैयार करेंगे, बेचारे लॉकअप में भूखे होंगे। हाँ, मैं बनाता हूँ। थैंक यू। वो आरती पुलिस को 100% पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी, पुलिस उसे 100% जेल बना देंगे, फिर अंकल को पता चल जाएगा कि ये वकील नहीं चोर है। भैया तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं जाके परेश को ढूंढती हूँ और उसको गायब करके आती हूँ। कोई सोल्यूशन निकालती हूँ भैया, तू टेंशन मत ले। ओके, मुझे क्या बोला?
एक भी सवाल पूछा तो अंदर कर दूंगा, चल निकल ऐसे। हाँ कहिए। डरिए नहीं, ये चोरों का इसे ही मारना पड़ता है। जी जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप हो उसे इस कारागार के किस विभाग में रखा जाता है, यदि आपको इस बारे में ज्ञान है तो आप मेरी सहायता कीजिए क्योंकि हम बहुत व्यथित हैं। आपने जो बोला मुझे शायद शाम तक समझ में नहीं आया। आपको अभी जवाब चाहिए तो मुझे समझने वाली भाषा में बताइए। आप सो जाए, आराम से बैठे, मैं आता हूँ। अरे उसके सर पे हैं, अब सामने की तरफ से बाल कम थे लगता है, जैसे इधर इधर। अरे इधर इधर। अरे अरे बैठो 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 बैठो। अरे ये थोड़ा बहुत लाश की तरह नजर आता है। बिल्कुल नाक नक्श वैसा ही। सीधा बैठो सीधा बैठो। देखिए हम तो जिंदा हैं और अंकल जी निर्दोष हैं। अरे तुम जिंदा हो ये तो मुझे भी पता है, पर मैं क्या तुमको अंकल नजर आता हूँ? अरे यहाँ बैठो, पुलिस की मदद करो, ये तुम्हारा स्केच बनाएगा और स्केच के सहारे हम लाश को ढूंढ निकालेंगे, समझे? वागरे स्केच बना, मैं अभी आता हूँ। अरे बैठो 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 सर। देखिए हम क्या कहते हैं कि यदि उस शव की सूरत हमारे जैसी है तो आप हमारा चित्र क्यों बना रहे हैं, हमारी तस्वीर ही खींच लीजिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप बैठे, मैं पुलिस फोटोग्राफर को बुलाता हूँ। यहाँ से तो भागना ही उचित है, अन्यथा फंस जाएंगे। ए होलीराम, ए क्या करता है तू? मैं मालिक के लिए नाश्ता बना रहा हूँ। अरे बाबा ये नाश्ता वाश्ता सब ठंडा हो जाएगा, पहले वो अंकल जी का पता तो चलने दो। आरती बेटिया ने आपको कुछ बोला नहीं? नहीं तो? अरे मालिक का पता चल गया है। अच्छा किधर है अंकल जी? वो जूह में है। वो सुबह सुबह उठकर शेयर करने के लिए जूह चौपाटी चला गया होगा, घर वाला सब लोग ऐसे ही परेशान हो गया। और प्रेस जी घर के सभी लोग आप ही को ढूंढ रहे। हमको? किंतु हमको क्यों ढूंढता है? मालिक ने फोन किया था, कह रहे थे परेश जी को जूस स्टेशन भेज देना मुझे लेने के लिए। अच्छा ऐसा बात है। आप यही रुकिए, मैं आरती बेटी को बताता हूँ कि आप आगे हैं, है? वो भी आपके साथ जाएंगी। ठीक है बोल दो। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, अंकल जी ने लेने के लिए हमको पर्सनली बुलाया है। चलो एक घर में कोई तो हमारा इज्जत करता है। आरती को अगर परेश मिल गया ना वाट लग जाएगी। तुली का क्या, किधर है? आप ही आ रहे? अरे हम क्यों नहीं जाएगा, अंकल जी ने पर्सनली फोन करके बोला है कि परेश को जरूर लेके आना। चलो चलो चले। परेश भाई आपको मालूम है ना आपको कहाँ जाने का है? अरे इधर पास में ही तो है स्टेशन। इतना पास भी नहीं है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? क्यों आरती ने आपको बताया नहीं कि अंकल कल रात से लॉकअप में? लॉकअप में? हाँ, और आपको उनकी जमानत करानी है। चलिए जमानत कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का जरूरत क्या है, वो तो हम इधर में से एक फोन कर देगा तो वो लोग छोड़ देगा। पर परेश भैया वो जमानत की फॉर्मेलिटीज करनी है, आपका होना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है हम अपना कमरा में जाके थोड़ा पेपर ऊपर देखता है। परेश भैया आपका कमरा ऊपर नहीं नीचे। टेंशन में हम भूल ही गया, देखो ऊपर में जाता था। तुम लोग भी अचानक से कैसा न्यूज दे देता है। आप दोनों चलिए, मैं परेश भैया के साथ आता हूँ। नहीं नहीं पुलिस से नहीं जाएगा दादा। अरे नहीं जाएगा। अरे अपूर्व हमारा बात नहीं समझता राजू, तू तो समझो भीतर में जाएगा सब गंडगोल हो जाएगा। अबे तू भीतर नहीं जाएगा तो ज्यादा गंडगोल हो जाएगा, चल ना। माफ कर दीजिए।
बाबू बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए स्वयं मंत्री ही यहाँ आ रहे हैं। लंच करेंगे और चले जाएंगे। गुंडी बाबू ये जिम्मेदारी आपकी। जी हमारी? हमने किसी मंत्री मंत्री को लंच मंच नहीं करवाया। अरे मूर्खों का, मंत्री और नेता ऐसा प्राणी है जो जनता का ही खाता है। लापतागंज आज रात 10 बजे सिर्फ सफर। प्रायोजक नया गोदरेज नंबर 1 साबुन अब नेचुरल ऑयल्स के साथ। लेनोवो क्रिएट फन व्हेरेवर यू गो। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। The summer sun darkens your skin. But itna hi nahi. Pata hai sun damage can also cause lines, wrinkles and dark spots? Protect your skin. With Olay's SPF range, Total Effects, Natural White and Natural White UV Blocker. This summer, try Olay to fight sun damage. Pinto! Ale! Unka mobile gir gaya, wo dhoond rahe. Achha. चलो बाहर नहीं निकलेगा दादा, बाहर नहीं निकलेगा। अरे नहीं दादा, इधर का जो इंस्पेक्टर है इनामदार, वो हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। अपूर्व अरे अरे दादा, भीतर में जाएगा तो हमको तो लॉक कर देगा। नाम नहीं जाएगा, तुम जाओ तुम जाओ। मैं अभी कुछ नहीं हो सकता भाई, यहाँ तक आया अभी। मैं आरती को क्या बोलूंगा? पिताजी हाँ क्या हुआ? ये बेटा वो केस डिस्कस कर रहे हैं। कानूनी दांपत्य बाहर से सेट करके जाओ तो अंदर जाके आदमी अपसेट नहीं होता है। अरे दादा उसको तुम कुछ भी बोलो, किंतु अगर एक बार हम अंदर चला गया ना तो दादा वो तो हमको लॉक कर देगा और अंकल जी के सामने हमारा नकली फैमिली का भांडा फूट जाएगा। वो बोल देगा ये तो चोर है, फिर क्या करेगा? अंकल जी तो जमानत करा के बाहर आ जाएगा, हम लोग सब भीतर में चला जाएगा। हम नहीं जाएंगे। डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान पे भरोसा करते, ईश्वर हमारे साथ है। क्या बातें कर रहे थे? परेश भैया दिलासा दे रहे थे कि यहाँ के जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है ना, वो इनके बहुत अच्छे दोस्त है, तो इनके पहचान से अंकल जल्दी छूट जाएंगे। चलो चलो हम चलते हैं। अरे नहीं जाएगा। अरे अपूर्व हमारा बात नहीं समझता। राजू तुम तो समझो, भीतर में जाएगा सब गंडगोल हो जाएगा। अबे तू भीतर नहीं जाएगा तो ज्यादा गंडगोल हो जाएगा। चल ना अबे, कुछ ना कुछ करते हैं। अब सारी उम्र अंकल को अंदर थोड़ा रखेंगे। चल जल्दी। अरे उठो उठो बेटा जी, उठाओ इनको। क्या करे? अरे उठो भाई। बेटा इंस्पेक्टर, हमारा बेटा माफी मांग रहा है। उसने जानबूझ के धक्का नहीं मारा, उससे गलती से लग गया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब तो उठो। वो नहीं उठेगा। क्यों? दरअसल वो अपनी गलती से इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ है कि आपको मुंह नहीं दिखाना चाहता। वाह, इतनी सी बात पर इतना पछतावा। वेरी नाइस बॉय, तुम जैसा हर कोई सोचेगा तो इस देश से गुनाही खत्म हो जाएगा। Keep it up. रात भर कहाँ थे? कुछ मत पूछिए, हम तो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। क्यों?
क्या हुआ? हुआ ये कि हम अंकल जी के वाहन के सामान वैसा ही करना, समझे? एक्सक्यूज मी? अरे एक्सक्यूज क्या है, जैसा कहा वैसा, समझे क्या? नहीं हाँ ए, ए, नाउ एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज बोला। यहाँ पर ईमानदार कौन है? यहाँ तो हम सब ईमानदार हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप तो हवलदार हो और वो तो क्या हुआ? हवलदार ईमानदार नहीं होता क्या? मैं 100% ईमानदार हूँ। लगता है हम गलत पुलिस स्टेशन में आ गए। गलत पुलिस स्टेशन? जहाँ ईमानदार पुलिस वाले हैं वो पुलिस स्टेशन आपको गलत लगता है? आप जैसे लोगों की वजह से हम पर रिश्वत लेने का गलत इल्जाम लगता है और हम बदनाम हो जाते हैं। अरे नहीं, आप खमखा नाराज हो रहे हैं। मैंने रिश्वत की बात करना की, मैं तो इंस्पेक्टर ईमानदार के बारे में पूछ रहा हूँ जो यहाँ के इंचार्ज है। वो ईमानदार नहीं है। अरे देखिए अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, आप ही बोले जा रहे हैं कि। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है उनका नाम ईमानदार नहीं है, इंस्पेक्टर इनामदार है। अच्छा अच्छा, वो कंफ्यूजन हो गया ईमानदार इनामदार में। हाँ वो अभी अभी बाहर गए हैं, इमरजेंसी थी। बोलो क्या काम था? धीरू भाई जवेरी कहाँ है? ओ तो कातिल के रिश्तेदार भी आ गए। कातिल? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सच बकवास कर रहे हैं। वो देखो कैसा लॉकअप में बैठा है, देखो। अंकल अंकल अबू देखो बेटा मेरा क्या हो गया। अरे संजीत जी डोंट वरी अंकल, हम लोग आ गए। आप ठीक हो ना? हम मैं ठीक हूँ। परेश को लाया हो? तुम लोग परेश को लाया हो? कैसे कैसे लोगों के साथ रहना पड़ता बेटा। किधर है ओ इमू? ओ इनामदार इंस्पेक्टर किधर है? उसका हिम्मत के जगह हमारा अंकल जी को जेल का भीतर में डाल लेगा। ओ भाई साहब वो बाहर गए हैं, आप कौन है? अरे बहुत बड़ा वकील है, एडवोकेट है, लॉयर है। अब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें और तुम्हारे साहब को पता चलेगा ये क्या है और ये कौन है। खड़ा होके हमारा मुंडी का देख रहा है। अपना साहब को तुरंत फोन करो और उसको बोलो इधर एडवोकेट परेश आया है हाई कोर्ट का। आने के बाद देखो तुम्हारा साहब का हम कैसा वाट लगाता है। फोन करो, तुरंत फोन करके उसको इधर में बुलाओ। हम बाहर में खड़ा है, जैसे ही वो इधर में आएगा हमको भीतर बुलाओ। खड़ा है हम, बुलाओ फोन करो। बेटे के साथ में ओ मेरे मीटिंग में है। एक बहुत बड़ा वकील आया है, बहुत चिल्ला रहा है, बोलता है ये मुँह को बुलाओ और धीरू भाई को छोड़ दो। अरे वो तो परेशान होगा जरूर, बहुत बड़ा वकील है वो। अरे जाने दो उन लोगों को, वरना कोर्ट में हम लोगों को चक्कर लगवाएंगे। पर साहब उसके जमानत के पेपर्स। अरे जमानत के पेपर है पर छोड़ो, और मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, देखो बार बार फोन करके परेशान मत करो, छोड़ दो उन्हें, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी सर, सॉरी तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरी रात मुझे कैसे लोगों के साथ गुजारनी पड़ी। ये कोई तरीका है? अंकल जी आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो ये लोग को हम अच्छे से समझाएगा। अंकल जी अंकल जी को लेकर आप तुरंत घर जाएंगे? चले अंकल जी आप पूरा रात। अच्छा आराम से अंकल संभल के जाइएगा और जल्दी वापस आए बैठेंगे। अच्छा अंदर बैठ। चलिए और तुम उनसे हम बात करता। ऐसा आदमी को जांच पड़ताल किए बगैर तुम जेल के भीतर में डाल देता है? अरे आदमी को पहले देखो कौन है क्या है, और हमारा नाम तुम भूलना ना है। एडवोकेट परेश। एडवोकेट क्या बोला? परेश। हाँ ठीक है, बहुत हो गया अभी, चल 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 जल्द से जल्द। क्या हुआ अंकल? चलिए नहीं वो परेश का इंतजार करते हैं, वो आ जाए तो उसका शुक्रिया अदा कर दूं। अरे समझी जी शुक्रिया घर जाके अदा कर लीजिएगा, अभी आप बहुत थके हुए हैं, आपको आराम की सख्त जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे पिताजी, आपका चेहरा देखिए कितना उतर गया है। चलिए आइए आइए। क्या कमाल किया यार, क्या डांटा है तुमने उन पुलिस वालों को। अरे दादा ये सब छोड़ो फटाफट चलो इधर से। मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ यार, तू सुन के नहीं ले रहा है। मैं कह रहा था अच्छा हुआ तू अंदर है, वरना हम फंस जाते। तूने हिम्मत दिखाई, क्या बाजी पलट दी, इसलिए तो मेरा फेवरेट। अरे वो सब छोड़ो बाद में करेगा, चलो गाड़ी में बैठो फटाफट।
वाले किलर को अपने हाथों से फांसी नहीं दिलवाई तो नाम बदल डालूंगा।